नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज देखिए हमारे यहाँ हमारा छोटा भाई है जो कि वो देखिए बनाने जा रहा है मंचूरियन, और आपको दिखाएंगे एक एक चीज़ मंचूरियन में कैसे क्या बन रहा है, क्या क्या चीज़ें पड़ती हैं, आपको एक एक चीज़ बताया जाएगा। यदि आप लोगों को बनाना हो तो हमारा वीडियो देख करके आप लोग बना सकते हैं मंचूरियन में क्या क्या पड़ता है, क्या क्या चीज़ें पड़ेंगी, कौन सा। दोस्तों एक बात हम आप लोगों से बताने वाले हैं कि हम मतलब हाथ से बनाया हुआ मैक हम आपको दिखाएं, और ये देखिए मेरा स्पेशल मैक है, ये देखिए हाथ से बनाया हुआ माइक है, इसमें बोलने से बहुत अच्छा आवाज जाता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे पहले कट रहा है पत्ता गोभी जो मंचूरियन में मिलाया जाएगा। पहले तो पत्ता गोभी कट रहा है, उसके बाद कटेगा गाजर। ये पत्ता गोभी देखिए कट कर तैयार हो चुका है, इसको बारीकी से एकदम काट दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये टमाटर है, ये हो प्याज, ये शिमला मिर्च, ये अदरक, ये सब हो चुका है, कट चुका है, और ये आपका है पत्ता गोभी और गाजर। आप देख सकते हैं इसको बारीकी से, कितनी बारीकी से काट दिया गया है। काटने के बाद इसको सब अभी जो है तड़का जब बनाया जाएगा तो फिर इसके आगे हम आपको दिखाते हैं कि कैसे कैसे ये बनता है और कैसे कैसे ये तैयार होता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर गैस को जला करके कढ़ाई को रख दिया है गैस पर। अब ये देखिए क्या क्या इसमें मिला है, मैदा, पत्ता गोभी और गाजर में मैदा मिलाया जा रहा है, कॉर्नफ्लावर है, एक कॉर्नफ्लावर है। इससे क्या होता है, इससे टाइट हो जाता है, इसे एकदम टाइट रहेगा, जो कि मतलब तेल में छानने पर फटेगा नहीं। ये है बेकिंग पाउडर, ये बेकिंग पाउडर, ये क्या है, ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर ज्यादा मत डालिए, ये अजीनोमोटो, ये है सोया सॉस, विनेगर, ये क्या चीज़ है, विनेगर, इसको विनेगर बोलते हैं। इन सभी को डाल करके इसमें मिक्स कर देंगे। ये चिली सॉस, ये चिली सॉस हो गया हल्का सा तीखा करने के लिए। ये हो गया टमाटो सॉस, ये टमाटो सॉस तो हल्का स्वाद ले आएगा, इसमें हल्का मीठापन स्वाद रहेगा। इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे, नमक, बस अब इसको मिलाएंगे। ये कढ़ाई में डाल रहा है रिफाइन, ये देखिए इसमें कलर डाल रहा है, खाने वाला जो कलर आता है इसको मिला देने से इसका कलर जो है रेड कलर में हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ये। ये है मंचूरियन का गोली, देखिए मंचूरियन को इस तरह से गोल गोल कर लिया जाता है इसको, उसके बाद इसको तेल में तड़का, तेल में डाल करके इसको तल दिया जाएगा। ये जो है कि अभी तेल में तल रहा है, तेल में तलने के बाद इसको निकाल दिया जाएगा। निकालने के बाद फिर इसका जब ग्रेवी बनेगा तो उसमें ग्रेवी बनाने के बाद इसको उसमें मिक्स कर दिया जाएगा। दोस्तों देख सकते हैं ये प्याज और शिमला कढ़ाई में पड़ रहा है, तड़का लगाया जा रहा है प्याज और शिमला का। अब अदरक लहसुन डाल रहे हैं, चारों चीज मिक्स कर दिए हैं। टमाटर डालेंगे,
ये देखो इसमें टमाटर पड़ गया है, टमाटर चलाया जा रहा है, टमाटर पूरा मिक्स कर दिया गया है। अब देखिए पत्ता गोभी गाजर डाल दिया गया है, सब पूरे को अच्छा पूरा मिक्स करके इसको थोड़ी देर पहले इसको मतलब भूज दिया जाएगा। भूजने के बाद इसमें थोड़ा पानी डाल दिया, पानी डालने के बाद इसको कुछ देर तक खोला दे जाएगा। खोलाने के बाद इसको जो है इसका जब रेसिपी बन जाएगा तो उसके बाद जो मंचूरियन बना है उसमें डाल करके बस थोड़ा सा खोला करके बंद कर देंगे तो मंचूरियन आपका तैयार हो जाएगा। ये देखिए थोड़ा सा पानी डाल दिया गया, इसमें डाल पानी अपने हिसाब से डालेंगे, जितना आपको रेसिपी बनाना हो उस हिसाब से पानी डालेंगे। आप जब बनाएं तो अपने हिसाब से डालें। यह ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर डाला जा रहा है इसको कलर लाने के लिए इसमें। यह है अजीनोमोटो, बट अजीनोमोटो सोया सॉस पड़ेगा। फिर ये विनेगर डालेंगे, इसमें चिली सॉस डालेंगे, फिर ये टमाटर सॉस डालेंगे, ये हो गया। अब इसके अंदर नमक डाल देंगे, बस कर डालना है। ये ग्रेवी मेरा लाल हो चुका है, अभी खोल जाएगा, इसके बाद तो उसको गाढ़ा करेंगे। तो दोस्तों ये देख सकते हैं इसमें मंचूरियन को डाल दिया गया है, डालने के बाद ये आपका मंचूरियन तैयार हो चुका है। देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर मंचूरियन।